अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो महाज शुरू किया गया था उसको मुकम्मल करने में बहरहाल हुकूमत कामयाब तो हो गई है। अब वो जितने भोंडे अंदाज से हुई है वो भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के चांसलर बनने के हवाले से एक और आर्टिकल आज गार्जियन अखबार में छपा है, उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आखिर में मैं थोड़ी सी बात करूँगी, आज CM बलूचिस्तान के साथ एक मुलाकात रही, उसमें मेरी क्या परसेप्शन है, मैंने क्या परसीव किया, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको बता दें कि जो कल प्रोफेसर साहब ने एक स्टैंड लिया था और जिस तरीके से प्रोफेसर साहब को कौम ने खराज तहसीन पेश किया है वो बहुत ही हौसला अफजा भी है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ मायूस कुन भी है। हौसला अफजा इसलिए है कि भले जितना मर्जी एक हम देख रहे हैं कि तहोबाला किया जा रहा है आइन और कानून को, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जिस तरीके से मामलात की, वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़, चाहे वो कितनी ही नहीफ और कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, हमें खड़ी हुई नज़र ज़रूर आती है। चाहे वो कोई एक जज खड़ा हो जाए, चाहे वो कोई एक प्रोफेसर खड़ा हो जाए, चाहे वो कोई एक कारकुन खड़ा हो जाए, चाहे वो कोई खातून खड़ी हो जाए, कुछ भी है, कोई जर्नलिस्ट है वो स्टैंड ले ले, लेकिन ऐसा कोई हम ये नहीं कह सकते कि घटा टोप अंधेरा है कि जिसमें उम्मीद की कोई एक किरण भी नहीं है। तो कोई एक ना एक किरण जो है वो ज़रूर बहरहाल मिल जाती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। प्रोफेसर रियाज जो हैं वो इसी तरह से साबित हुए हैं कि वो उम्मीद की किरण है, जिसने ये बताया है कि भले एक हमें नज़र आ रही है मायूसी ही मायूसी, लेकिन फिर भी लोग हैं जो कानून की बात करते हैं, जो हक और सच के साथ इंसाफ करने की बात करते हैं। अब काफ़ी हद तक तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने जिस तरह से एक ट्वीट किया और उसके बाद फिर उनको 7-8 घंटे तकरीबन लापता रखा गया और फिर शाम को वो बाजियाब हो गए थाने में, उनकी अहलिया भी उनके साथ थी, और फिर उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों कर अगवा किया गया और क्यों कर उन्हें इधर उधर घुमाया जा रहा था और उन्हें कराची सिंडिकेट यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग है उसमें नहीं बैठने दिया गया। और फिर बाद में ये जो सारी एपिसोड मुकम्मल हुई उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की, उसमें भी उन्होंने तफसील बताई, और उसके बाद उन्होंने एक पूरी तफसील के ऊपर एक बाकायदा तहरीर भी जारी कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वो ये नहीं कह रहे कि भाई बिल्कुल किसी को क्लीन चिट दे दो, किसी के ऊपर सवाल ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अगर डिग्री के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कम अज़ कम जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम होता है उसको एक सफाई का मौका तो मिलना चाहिए, आप उसका मौक़िफ़ तो लेते हैं कि वो अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात के बारे में क्या कहता है। ये तो सख्त तरीन जो क्राइम्स में मुब्तला लोग होते हैं उनको भी ये हक हासिल है कानून के तहत, तो ये कैसे है कि आप एक बंदे का पूरा करियर तबाह बर्बाद कर रहे हैं और आप उसका मौक़िफ़ तक नहीं ले रहे और यकतरफा कार्रवाई करके आप उसकी डिग्री के ऊपर फ़ैसला जारी कर रहे हैं। तो उनका जो इसमें स्टांस था वो सिर्फ इतना सा था कि इसके ऊपर ड्यू प्रोसेस के तहत कार्रवाई करें, आप सवाल करें, जवाब करें, देखें, बिल्कुल कानूनी तौर पर उसको जांचें और उनका भी मौक़िफ़ लें कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उनको चूंकि वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे और एक डिफरेंट वॉइस थे, तो उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि दबाव डाला गया उनकी पूरे मेंबर्स जो थे सिंडिकेट के उनके ऊपर, बल्कि इन्होंने चूंकि उसको सोशल मीडिया पर बाकायदा लिख दिया तो इस वजह से ये ज़्यादा आताब का शिकार हुए और फिर इनको उस मीटिंग में बैठने ही नहीं दिया गया। बहरहाल बाकी जो लोग बैठे उन्होंने बिल्कुल मनचाहा निज़ाम के जो बिल्कुल यानी आप कह लें कि मंशा के मुताबिक फ़ैसला था वो दे दिया, और उन्होंने कहा कि जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो कैंसिल की जाती है, वो मनसूख हो गई है, अब उनकी वो डिग्री बाकी नहीं रही, यानी कि उन्होंने सिरे से लॉ पढ़ा ही नहीं। लो जी, नई कहानी। उसके बाद जनाब ये इस हद तक तो कामयाब हो गए कि अब जाहिर है अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का रेफरेंस खुलता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो एक एविडेंस के तौर पर ये पेश किया जाएगा कि देखें जी जिस जामिया से उन्होंने पढ़ा उसने भी इस बारे में बता दिया है कि इनकी डिग्री जाली है या मनसूख कर दी गई है। तो इस मामले के ऊपर अब एक तरह से तारिक महमूद जहांगीरी साहब के करियर को ख़त्म करने के लिए पूरी ये एक मुहिम की गई थी शुरू, और वो उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल है? क्योंकि यहाँ पर अब एक सवाल तो पहले ये उठता है कि जिन्होंने इससे पहले उन्हें मुख्तलिफ अहदों पर तैनात किया, जो उनकी एक पूरी स्क्रूटनी होती है जज बनाने के लिए, उन सब लोगों को क्या बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाए जिन्होंने ये चेक ही नहीं किया कि उनकी डिग्री सही है भी या नहीं,
और सारे प्रोसेस के ऊपर किस तरह से वो पूरा उतरते चले गए। दूसरी बात ये है कि अब जो ये प्रोफेसर साहब का मामला सामने आया है, तो क्या ये मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा? क्या इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा? क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब अपने दिफा के तौर पर इन प्रोफेसर साहब को और जो उनके पीछे पूरी मुहिम जुई हुई है उसको क्या चैलेंज नहीं करेंगे? क्या ये मामला सारा खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं उठा लेना चाहिए सो मोटो के तौर पर, ख़ास तौर पर प्रोफेसर साहब के सामने आने के बाद? क्या चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब को ये नहीं उठा लेना चाहिए मामला, कि इसका मतलब है कि जो जज ने एक ख़त लिखा था वो ठीक था कि उसको दबाव डाला जा रहा है? यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि निज़ाम शुरू कहाँ से हुआ है। निज़ाम शुरू वहाँ से हुआ है कि जी पहले तो पीटीआई का कोई उम्मीदवार मैदान में ही ना उतरे, उनको डराया गया कि भाई आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ना। फिर वो नहीं डरे, इलेक्शन लड़ लिया, तो आरओ को डराया गया कि भाई ये रिज़ल्ट तब्दील करो। फिर आरओ ने रिज़ल्ट तब्दील कर दिए। अब जब रिज़ल्ट चैलेंज हुए तो फिर जज को डराया गया कि भाई ये जो रिज़ल्ट तब्दील हुए हैं इनको आपने हाथ नहीं लगाना, इनको करेक्ट नहीं करना, हकदार को उसका हक नहीं देना। जब जज भी नहीं डरा तो फिर जज को डराने के लिए उसके खिलाफ जाली डिग्री का स्कैंडल बना दिया गया। अब जब जाली डिग्री का स्कैंडल आने के बावजूद भी जज नहीं डरा तो इन्होंने सोचा कि इस जाली डिग्री के मामले को बाकायदा साबित कर दो और इसका करियर तबाह कर दो। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका करियर तबाह करने के लिए जाली डिग्री को, यानी उसकी असली डिग्री को जाली डिग्री साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया कि प्रोफेसरों के ऊपर दबाव डाल दिया, यूनिवर्सिटी के ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर दबाव डाला। और उसमें से भी एक ऐसा सरफिरा प्रोफेसर निकल आया जिसने उठ के बता दिया कि भाई ये हो रहा है। तो किस किस को किस किस मरहले पर आपने डराया, धमकाया, रोका, लेकिन फिर भी सच कहीं ना कहीं से एक बिल्कुल जो रोशनी की लॉ होती है ना उसकी तरह कहीं ना कहीं से फूटता रहा और पता चलता रहा कि क्या हो रहा है। तो अब किसी को ये तो फिक्र है नहीं यहाँ पे कि जी ये पता क्यों चल गया, लेकिन ये ज़रूर है कि अब आपके पास एक एविडेंस आ गया है कि जी आपने करना क्या। अच्छा जी, अब इन प्रोफेसर साहब को भी किसी ने इतनी आसानी से छोड़ना तो नहीं, इनके खिलाफ भी फिर चीज़ें निकाली जा रही हैं कि जी इनको अब गलत साबित करो। बहुत से टाउट सहाफ़ी फ़ौरन शुरू हो गए कि जी ये तो 2017 में भी पकड़े गए थे और ये था और वो था, इनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा था। और फिर पुलिस ने भी इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जारी की, क्योंकि कल सारा दिन वो पुलिस की कस्टडी में थे तो उन्होंने भी अपने आप को जस्टिफाई करना था। तो उन्होंने भी कहा कि जी इनके ऊपर एक FIR थी 2017 में और उसके तहत हमने आज इनको पकड़ा। हालांकि वो पहले ही जब वो कोई वाकया हुआ था तो उसी वक्त उन्हें क्लियर भी कर दिया गया था और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था उस मामले से। लेकिन वो कोई ऐसी फेक सा उन्होंने मुकदमा बनाया हुआ था, कोई दहशतगर्दों से लिंक का या कोई इस टाइप की चीज़ का, बाद में वो क्लियर भी हो गया था। लेकिन कल पुलिस लिखती है कि जी हमने तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें पूछगछ के लिए बुलाया था और बाद में अब हमें पता चल गया है कि जी ये मामला क्लियर है, हमने उन्हें छोड़ दिया। अल्लाह के बंदो, क्या आपने एन उसी दिन उनको पूछगछ के लिए बुलाना था जिस दिन उन्होंने सिंडिकेट की मीटिंग में जाना था? तो मतलब झूठ भी आप वो बोलें कि जो कोई बिलीव कर सके। कार्रवाई डालें, वारदात डालें, लेकिन कम से कम इस अंदाज से डालें कि वो पकड़ी ना जाए। इतनी भोंडे तरीके से चीज़ें होती हैं कि वो फिर सारी कहानी पता चल जाती है, फिर हम जैसों को बोलना पड़ता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है, ये क्या मजाक लगा रखा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन एक हद तक जुज़वी कामयाबी तो इन्हें मिल गई है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है उसको इन्होंने जाली करार दिलवा ज़रूर दी है जैसे तैसे करके। बहरहाल इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं मामले से और आपको बताते हैं कि जी गार्जियन अखबार में आज एक आर्टिकल छपा है और ये आर्टिकल जो है वो एक सहाफ़ी कैथरीन सीनियर या इसी तरह से कुछ नाम इनका कैथरीन, बहरहाल मैं इनको कह लेती हूँ, इन्होंने लिखा है। और इस आर्टिकल में मुसन्निफा ने इमरान खान साहब के हवाले से काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या वो एक अच्छी चॉइस हैं। और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी वो चॉइसेस में अपनी चीज़ें बताई हैं कि जी वो मुख्तलिफ़ हवालों से बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, तालिबान को उनका सपोर्ट करना, ख़वातीन के हवाले से कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। फिर उन्होंने एक उसमें जो पॉइंट किया है वो ये भी उठाया है कि जी सलमान रुश्दी के साथ उन्होंने एक जगह पे स्टेज शेयर करने से इनकार किया था। तो ये तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट किस्म के माइंड के बंदे हैं, तो क्या ऐसा बंदा जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होना चाहिए? अच्छा चलिए, अब वो तो जिस भी मकसद के लिए, ज़ाहिर उनको तो सलमान रुश्दी उस तरह से नहीं बुरा लगता होगा, हम तो उस पर लानत ही भेजते हैं क्योंकि वो गुस्ताख रसूल था। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात ये है कि सिर्फ बूज़े इमरान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस आर्टिकल में इस पॉइंट के बावजूद भी कि उसमें वो ये बात कर रही है,
उसको हाईलाइट करके कह रहे हैं कि देखे जी बल्ले बल्ले और शाबा शाबा कि इमरान खान को तो चांसलर बनने के ऊपर बड़ा रुकावट आ गई है। इस सहाफ़ी ने भी ये बात मेंशन कर दी है कि जी भई आप ये तो देखें कि वो मेंशन किस बात को कर रही है, उसकी जगह तो कोई भी इमरान खान साहब की जगह हो और उसके लिए ये बात हो कि उसको एक शातम रसूल के साथ बैठने के लिए कहा जाए, उन्होंने मना किया हो, तो ये तो बड़ी हिम्मत की बात है और इस पर तो उनकी दाद बनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, लेकिन बहरहाल ये आर्टिकल्स वगैरह छपते रहेंगे, हर किसी की अपनी राय है, बहुत से सहाफ़ी उनके हक़ में भी लिखेंगे, बहुत से उनके ख़िलाफ़ भी लिखेंगे। लेकिन सवाल वही कि अल्टीमेट फ़ैसला तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का अक्टूबर में आ जाएगा सामने कि फ़ाइनल कैंडिडेट कौन से हैं, और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा हैं जो उनके अपोज़ कर रहे हैं नामज़दगी को, क्योंकि वो अभी तक हम यही देख रहे हैं कि जो उनकी कैंपेन है वो बड़ी मौसर अंदाज में चल रही है, और जहाँ एक दो आर्टिकल उनके ख़िलाफ़ लिखे गए हैं तो वहाँ बहुत सारे आर्टिकल ऐसे भी हैं जो उनके हक़ में लिखे गए हैं। तो बहरहाल ये एक मामला, फिर मैं वो बात कहूँगी कि किसी भी वजह से ही सही, लेकिन अब वो इमरान खान के हक़ में जाए या उनके ख़िलाफ़ जाए, लेकिन ये चीज़ एक हाईलाइट ज़रूर हुई हुई है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने ये इलेक्शन लड़ने की हामी भर ली है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस चीज़ के साथ उनका नाम जुड़ जाता है वो कितनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेती है। आखिर में मैं थोड़ी बात बल्कि करना चाह रही हूँ जो आज मेरी मुलाकात हुई, लेकिन यूँ करते हैं कि इस बात को ज़रा अगले वीलॉग तक के लिए मौखर कर देते हैं, अगले वीलॉग में मैं ज़रा तफसील से इस पर फिर बात कर सकूँगी। अभी के लिए सिर्फ ये ज़रूर आपको बता दूँ कि अचकज़ई साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो राणा सनाउल्ला साहब हैं उन्होंने उनसे रब्ता किया है बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए, और दूसरी तरफ जो पीटीआई के मुख्तलिफ लोग हैं बैरिस्टर गौर साहब और बाकी लोग, इनके साथ भी पीएमएलएन के लोगों की मुलाकात हुई है, शबाशरी साहब की भी हेलो हाय हुई है। लेकिन क्या वो मुज़ाकरात हैं? मुज़ाकरात तो बहरहाल अभी तक नहीं है उस तरह प्रॉपर, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्स ज़रूर मिला है, एक बातचीत का दरवाज़ा ज़रूर खुला है। अब इसका क्या कोई रिज़ल्ट निकलेगा? महमूद खान अचकज़ई साहब ख़ुद कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जो है इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बहुत ज़्यादा तैयार नज़र नहीं आ रहे। ये उनकी अपनी राय ज़रूर है कि हालांकि उन्हें होना चाहिए इसके लिए तैयार, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं है कि वो इस हुकूमत से मुज़ाकरात करें। लेकिन दूसरी तरफ ये बात अपनी जगह ज़ाहिर है, तस्दीकशुदा है। अब मैं तो ख़ुद ये सोचती हूँ कि मतलब इमरान खान साहब के हवाले से बैठ के अगर बात हो रही है तो क्या पीटीआई डिमांड कर रही है मुज़ाकरात में कि जी इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल दें, और अगर अदालतें उनको बरी करती हैं तो आप छोड़ दें, कोई नया मुकदमा ना उनके ऊपर मनगढ़ंत बनाने की कोशिश करें, तो क्या हुकूमत के पास इतनी पावर है कि वो ये कहे कि जी ठीक है फिर इमरान खान को रिहा कर देते हैं? क्या ये फ़ैसला वाकई हुकूमत ने करना है? या अगर हुकूमत और पीटीआई बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए और वो कहें कि लें जी आएँ फिर ये एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं इस बात के लिए कि 9 मई की तहकीकात करें, तो क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि 9 मई के ऊपर अपने तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे या एक इंडिपेंडेंट कमीशन तश्कील दे दे? जवाब है नो। और इसी तरह अगर ये दोनों बैठें और कहें कि जी आएँ जो धांधली के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बातचीत के लिए हम कोई बना देते हैं फोरम, ऐसा कोई कमेटी या कोई कमीशन जो ये सारा ऑडिट कर ले इलेक्शन, तो क्या हुकूमत अपने तौर पर इस बात के लिए हाँ कर सकती है? तो बात ये कि ये तो खुद हुकूमत को ही सूट नहीं करेगा, तो वो क्यों इस चीज़ के लिए हामी भरेगी? तो फिर इसलिए मैक्सिमम क्या होगा, आप बैठेंगे बातचीत करेंगे, आप कहेंगे कि जी आप शोरशार ना मचाएं, आप सड़कों पर एहतजाज ना करें, वो कहेंगे अच्छा जी हम मान लेते हैं, आप बदले में चलें जी हम दो चार आपके ये फरीद को, कामरान को और फलां को हम छोड़ देते हैं, दो चार कारकुन छोड़ देंगे आपके, मैक्सिमम ये कर देंगे, कोई आपको कमेटियों में अच्छी ऑफर दे देंगे कि आप फलां फलां कमेटी की चेयरमैनशिप ले लें, कोई तरक्याती फंड्स में आपको कह देंगे चले हम आपको एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसके अलावा हुकूमत के पास देने के लिए क्या है, ये सोचने की बात है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।